Hello friends, welcome back to my channel. I am Ashutosh. And friends, in today's lesson, we will be learning about physics. Class 7 ki physics ke baare mein baat karenge. Chapter 1. Class 7, maine aapko bataya physics ka hai. IIT Foundation wale book ka hai. Kaun se book ka? Pearson ka. Pearson hai iske founder, theek hai? चैप्टर वन का नाम है मेजरमेंट्स. तो आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट्स का इंट्रोडक्शन करेंगे. आज हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है. इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आज के वीडियो में, मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइंस, उसका डेफिनेशन जानेंगे, और हम पढ़ेंगे एम, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम और सिस्टमाइजेशन. पर आप ध्यान दीजिएगा गाइस, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ एम और ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे. आप पूछोगे क्यों भाई, क्योंकि अगर मैं आपको सब कुछ एक ही बार में पढ़ा दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है. तो आज हम यही करेंगे. बहुत से यूट्यूबर मैंने आपको बताया कि सबको एक ही में पढ़ाते हैं लेकिन समझ में वो अच्छे से नहीं आएगा. तो मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइंस का डेफिनेशन आइए देखते हैं. साइंस अटेम्प्ट्स टू फाइंड द कॉज ऑफ एन इवेंट, दिस इज कॉल्ड एम. टू अचीव द सेम, वेरियस फिनोमेना टेकिंग प्लेस इज इनएनिमेट एंड लिविंग वर्ल्ड आर ऑब्जर्व्ड. द रीजन बिहाइंड अ गिवन फिनोमेनन इज डिटरमाइंड एंड इट्स करेक्टनेस इज वेरीफाइड इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है. मतलब मैंने आपको बताया एम का मतलब क्या होता है, वो जो साइंस अटेम्प्ट करते हैं उसका जो इवेंट अकर हुआ उसका कॉज ढूंढते हैं कि रीजन क्या था उसकी बहन, अब उसको वो एम है. अब उसे पता करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं. चलिए देखते हैं हाउ साइंस इज अप्लाइड. सबसे पहले देखते हैं आखिर एम होता क्या है. अ फिनोमेनन इज चोजन टू डिटरमाइन इट्स कॉज. मतलब कोई चीज़ हुआ, समथिंग हैपेंड, और हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा हाउ इट हैपेंड, आखिर हुआ कैसे, ये क्यों हुआ, तो व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस, ये इसका एम है. अभी पता करेगा कि आखिर हुआ क्या. तो ऑब्जर्वेशन इसे पता करता है कैसे, देखिए. इट इन्वॉल्व्स नोटिसिंग द फिनोमेनन अटेंटिवली इन डिफरेंट कंडीशंस. मतलब हर तरीके से वो जांच पड़ताल करता है आखिर ये हुआ क्यों. आपको समझ में आ गया होगा ऑब्जर्व से. ऑब्जर्व का क्या मतलब होता है, कुछ को, किसी चीज़ को अच्छे से देखना. अब इसका हम लोग कॉज फाइंड करता है आखिर ये हुआ क्यों, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट, हाउ, कैसे होता है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स. आपने सुना होगा साइंटिस्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी चीज़ के बारे में पता करने का, आखिर ये फार्मूला काम कैसे किया, आखिर ये हुआ कैसे, ये जो हमने फार्मूला यूज़ किया वो काम कैसे किया, सक्सेस कैसे किया, वो सब करने के लिए, ठीक है. हाउ द थिंग्स और दिस फेनोमिनन अकर्ड, पता करता है कैसे हुआ. तो गाइस मैंने आपको कहा ही था कि आज हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा. सो गाइस फॉर टुडे ओनली दिस मच, rest of the things will be discussed in the next part of the introduction. Link मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना पार्ट टू का इंट्रोडक्शन का. मतलब उसमें बात करेंगे हम लोग मेजरमेंट का, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम और सिस्टमाइजेशन का, ठीक है. तो और उसमें दो तीन दिन में वो वीडियो आ जाएगा, तो तब तक के लिए लाइक करिए इस वीडियो को, मोटिवेशन मिलता है हमें. सब्सक्राइब करिए ताकि जब वो वीडियो आ जाए आपको पता चल जाए, ठीक है. और आप सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का मिलते रहेगा आपको इस चैनल पे, ठीक है. शेयर करिए इस वीडियो को और कमेंट करिए आपका क्वेरीज या सजेशंस दीजिए. सो गाइस थैंक यू एंड बाय बाय.